वेलकम गाइस, मैं हूं तस्लीम और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं यस यू कैन बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच बाय इमरान खान। तो ये स्पीच हम देखेंगे, कौन सी स्पीच है उनकी, पुरानी है, नई है, या किस टाइप की स्पीचेज हैं। मोटिवेशनल स्पीचेज होती है, मैंने एक आध तीन दो चार पाँच छः वीडियो में, कई वीडियो में मैंने बोला है, क्योंकि स्पीचेज जो होती हैं वो मोटिवेशनल होती हैं। चलो सुनते हैं इसको क्या है। यस यू कैन, हर चीज दुनिया में एक विजन से शुरू होती है। पहले एक इंसान एक सोच लेके आता है, एक तस्वर करता है किसी चीज का, और फिर अल्लाह ने इंसान को वो ताकत दी है। वो अल्लाह ने हमें जब अशरफुल मखलूकात बनाया तो हमें किसी को अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने हमारे में कितनी ताकत दी है। लेकिन जो चीज आप पिक्चर कर सकते हैं, जिस चीज का आप तसव्वुर कर सकते हैं, अल्लाह ने आप सब में वो ताकत दी है कि आप अचीव कर सकते हैं। हर बुरा वक्त आपको प्रिपेयर करता है ऊपर जाने का। जिंदगी एक स्टेपिंग स्टोन का नाम है, और जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं आप जिंदगी में ऊपर जाते रहेंगे। मैंने अपने साथ क्रिकेटर्स देखे, बड़े टैलेंटेड थे, लेकिन वो किसी स्टेज के ऊपर जब कामयाब होते थे वहां जाके रुक जाते थे। वो इकबाल का शेर है कि सितारों के आगे जहान और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। जिस वक्त आप अपने आप को चैलेंज करना खत्म कर देते हैं, आपकी डिक्लाइन शुरू हो जाती है। क्योंकि जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को चैलेंज करें, और अपनी विजन है उसको आप क्रिएट करते रहे। मैंने देखा कई दफा लोग रिटायर होते हैं, एकदम बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफेद हो, हार्ट अटैक हो जाता है, जिंदगी का पर्पस चला जाता है, मकसद चला जाता है, क्योंकि चैलेंज चला जाता है जिंदगी से। मैंने अगर मैं अपनी जिंदगी लूं तो, अगर मैंने जब क्रिकेट खत्म की थी तो मुझे तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत थी। मैं भी वो बाकियों की तरह क्रिकेट के ऊपर बातें बूते करता, करोड़ों रुपया साल का कमा लेता, लेकिन उस वक्त मेरा जो पोटेंशियल, एक ह्यूमन पोटेंशियल था, वो रुक जाना था, उसकी कैप हो जानी थी। जिस वक्त जो चैलेंज जाता है आपका पोटेंशियल कैप हो जाता है। इसलिए आप कॉन्स्टेंटली अपनी, जब आप एक माइलस्टोन अचीव करते हैं फिर अगला माइलस्टोन आ जाता है, फिर अगला आ जाता है, और ये फिर आप रियलाइज करेंगे कि आप डिस्कवर करते रहेंगे। फिर आप दो साल के बाद अपने आप को जब अपनी जिंदगी का जायजा लेंगे तो आप सोचेंगे कि वो जो दो साल पहले जिस चीज को मैं मुश्किल समझता था वो तो मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त आप ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि जो पैशन होता है ना, जुनून, वो सिर्फ दिल में होता है। और मेरे जिंदगी का तजर्बा यह है कि अगर टैलेंट और जुनून का मुकाबला हो, ज्यादा टैलेंट भी हो लेकिन जुनून उसको, टैलेंट को हरा दे। क्योंकि जुनून आपको प्रोपेल करता है। आप 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम कर सकते हैं जब आपको किसी चीज का जुनून हो, लेकिन जो दिमाग से चलते हैं उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो दिल जो है ये ड्राइविंग फोर्स होती है। बड़े लोगों की, बड़े जो काम करते हैं उनके दिल ड्राइव करते हैं उनको। फिर जब आप एक बड़ी ख्वाब को चेस करते हैं तो अपने जेहन में डाल लें, ये प्लीज याद रखें, कामयाबी का सबसे बड़ा ये राज है कि फिर आप किश्तियां जला के जाते हैं। आपका कोई प्लान बी नहीं होता। अभी एक प्लान बी हुआ था, अब वो सी होगा, फिर जेड चला जाएगा। देखें, जो ह्यूमन पोटेंशियल है आपका, जब आप किश्तियां जला देते हैं, जब आप फैसला करते हैं कि अब कोई वापस नहीं जाना, तब आपके अंदर से वो पोटेंशियल निकलता है। जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो निकलता तब है जब आप अपने आप को चैलेंज करते हैं। जितना ज्यादा चैलेंज करेंगे उतना आपके अंदर से ताकत निकलेगी।
लेकिन वो तब आप चैलेंज करेंगे जब ये आप फैसला करेंगे कि आपको वापस जाना नहीं है। जब आप जो लोग सिंगल माइंडेडली अपनी विजन और अपने ड्रीम के पीछे नहीं जाते, वो कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो जब वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी विजन पे, फिर कॉम्प्रोमाइज की कोई एंड नहीं होती। एक दफा आप अपनी विजन से पीछे उतर जाते हैं, आप कम चीज एक्सपेक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर आप मुसलसल नीचे जाते रहते हैं। कामयाबी का राज सबसे बड़ा ये होता है कि आप जब एक फैसला करते हैं और जो दिल आपका फैसला कर लेता है, फिर उसके बाद आप हर कोशिश करते हैं, आप फिर और फिर आप एक्सपेक्ट करें जितना आपने ऊपर जिंदगी में सोचा जाने का, उतनी आप एक्सपेक्ट करें कि आप नीचे गिरेंगे। जिंदगी जो है वो एक, आप जब आप बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि साइकिल्स में जाती है जिंदगी, कभी जिंदगी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। ये जो साइकिल आपके लिए आते हैं, बुरा वक्त आता है, ये जो सेटबैक्स आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये आपको सिखाने के लिए अल्लाह देता है। इसका मतलब कि कोर्स करेक्शन की जरूरत है, आपको एक चीज गलत कर रहे हैं, आप मेहनत कम कर रहे हैं। जो इंसान कामयाब होता है वो हमेशा, उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी होती है कि जो बुरा वक्त जब आता है उसको बुरे वक्त को संभालना आता है, कोप करना आता है। क्योंकि बुरा वक्त जब आता है तो कई दफा जो बुरे वक्त पे डिसपॉइंट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, और वो जो डिमोरलाइज जब आपको एक सेटबैक करती है, वो आपको हराते हैं। ये कभी आपको हरा नहीं सकती जब तक आप हार ही ना माने। जब आप हार नहीं मानेंगे, आप मुसलसल बुरे वक्त से खड़े होंगे, सीखेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, और जब आप गिर के खड़े होते हैं और मेहनत फिर शुरू करते हैं, अब पहले से ज्यादा आपके अंदर ताकत आ जाती है, अपनी और स्ट्रेंथ डिस्कवर कर लेते हैं। ये है साइकिल, जिसको स्ट्रगल कहते हैं, जिसको जद्दोजहद कहते हैं, जो कामयाबी का राज है। देखिए, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है वो जितना आपको नवाजता है उतनी आप पे जिम्मेदारी डाल देता है। देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमन पोटेंशियल है, एक इंसान का पोटेंशियल है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है आपकी जिंदगी की विजन क्या है, क्या ख्वाब देखते हैं आप जिंदगी का। मैं रिपीट करता हूं कि जो भी आप पिक्चर कर सकते हैं अपने जहन में, वो पॉसिबल है। इंसान ने जितनी भी चीजें की, चांद पे गया, जितनी भी चीजें की, ये साइंस फिक्शन की जो 70s में फिल्म बनती थी, वो आज इंसान अचीव कर चुका है। क्योंकि अल्लाह ने जो आपकी पावर दी है आप में, वो जो पावर है आपके अंदर, याद रखें, फरिश्तों को कहा था कि इंसान के सामने झुको, और अल्लाह ने जब शैतान ने रिवोल्ट की तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें नहीं पता मैंने इस इंसान को क्या क्या नॉलेज दी है, पावर दी है। पावर, नॉलेज पावर होती है। तो हम दुनिया में से गुजर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बन सकते थे और हम क्या रह जाते हैं। वो मौलाना रूमी की एक बड़ी जबरदस्त सेइंग है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो जमीन पे। इंसान में बड़ा पोटेंशियल दिया अल्लाह ने। तो सबसे पहली चीज आपका पोटेंशियल अचीव करने के लिए, आपको एक बड़ी ख्वाब चाहिए, विजन चाहिए। जितनी बड़ी आपकी विजन होगी वो डिसाइड करेगी कि आप किधर तक पहुंचेंगे। जो विजन होती है, बड़ी विजन, ये याद रखना, वो अपनी जात से बढ़ के होती है। जो भी आज तक दुनिया की तारीख में बड़ा इंसान बना है, वो हमेशा अपनी जात से निकल के बना है। कोई दुनिया की तारीख किसी अमीर आदमी को नहीं जानती। बड़े बड़े अमीर आदमी आए, अरबोपति आए, खरबोपति आए, दुनिया की तारीख उसको जानती है जिसने उस पैसे से इंसानों के लिए कुछ किया। आज एक दुनिया में बड़ा नाम है, बिल गेट्स। आप बिल गेट्स को देखें तो वो वाकई बड़ा इंसान है। इतना बड़ा पैसा जमा करके
बना के अपनी सलाहियत से उसने अपनी जिंदगी के ऊपर बड़ा कम पैसा खर्च करता है अपनी नीड्स के मुताबिक, लेकिन वो सारा पैसा खर्च कर रहा है इंसानियत के लिए। हमारे यहाँ पोलियो प्रोग्राम के ऊपर वो कितना पैसा खर्च कर रहा है, उसको अमेरिका में बैठ के क्या फिक्र है कि पाकिस्तान में पोलियो है। ये होते हैं बड़े इंसान। गंगाराम को लोग याद करेंगे लाहौर में, पैसे वाला आदमी था, हॉस्पिटल बना गया। सो सबसे पहले ये याद रखना कि बड़ा इंसान की बड़ी विजन, और बड़ी विजन हमेशा अपने से निकल के होती है, इंसानों के लिए होती है। और फिर तारीख उठा के देखें, दुनिया सिर्फ उनको याद रखती है। जब आप एक बड़ी विजन रखते हैं, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज समझना, जो आपकी विजन हो वो बड़ी तब है जब वो आपका आपका दिल उस विजन को मानता है। ये हमेशा क्लैश रहेगा आपके जेहन में, दिमाग में और दिल में। जो आपका जो माशरा है वो आपके माइंड को डिक्टेट करेगा, कि माशरा कहेगा जी ये एक दौर होता था सिविल सर्वेंट पर हो, फिर होता डॉक्टर, फिर इंजीनियर। आपका आपको माशरा डिक्टेट करता है एक टर्म, और दूसरी आपका दिल करता है। हमेशा अपने दिल को फॉलो करो। पूरी तरह से अग्री किया हूं मैं स्टार्ट टू एंड इनकी स्पीच से, और बहुत ही दिल को लगी है यार। एक एक लाइन यार इन्होंने क्या क्लियर थॉट रखे हैं अपने। ये विजन एक्चुअली ये सोच मैं बताऊं तो मेरे अंदर भी है कि कुछ नहीं मिल रहा उसको तब तक पाओ, पाने की कोशिश करो जब तक वो मिल नहीं जाता। एंड कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं बीच में, बहुत सारी जगहों पर गलतियाँ होती हैं। ये क्लियर है कि आप गलतियाँ करोगे किसी रास्ते पर निकलोगे कुछ पाने के लिए, तो आपके या तो थॉट्स में कुछ कमी होगी, आपकी सोच में कुछ कमी होगी, आप कुछ गलत सोच रहे होगे, या फिर आप शॉर्टकट मारने की सोच रहे होगे, लेवल की मेहनत नहीं कर पा रहे होगे। सुबह से कुछ होता है, कमियाँ ढूंढते रहिए अपने अंदर। मैंने जो भी मुझसे पूछता है कि मैं क्या करूँ, यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो मैं कामयाब कैसे हूँ, लोग बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ मेहनत करो और मेहनत करते जाओ। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इम्प्रूवमेंट करते जाना, चाहे वो अपने बोलने में हो, आपकी वीडियो में हो, या फिर आपके कंटेंट में हो, तो उसको इम्प्रूव करते जाओ। इम्प्रूवमेंट इज द की अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरे थॉट यहाँ पर बैठा हुआ है। ये टोटल स्पीच मुझे गूज़बम्प्स दे रही थी, ये कहीं कहीं बीच बीच में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही कि जब आप बड़ा सोचते हो, जो चीज़ सोच सकते हो वो पा सकते हो। और एक एक लाइन रोंगटे खड़े कर रही थी इनकी, वाकई में आप बहुत तगड़ी स्पीच थी, बहुत ही मोटिवेशनल थी। जुनून, जज्बा, हौसला सब कुछ देती है ये स्पीच इनकी। सबसे बढ़िया लाइन मुझे लगी इनकी जब इन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं बैठकर लोगों की तरह क्रिकेट से रिटायर होकर कमेंट्री कर सकता था, कुछ भी बोलकर करोड़ रुपया कमा सकता था, या मेरे पास इतना था कि मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे में काट सकता था। लेकिन नहीं, जब तक आपकी ज़िंदगी में चैलेंज आप खुद को नहीं दोगे तब तक आप हार नहीं मानोगे। लोग हार मान जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो तब उनकी ज़िंदगी वहीं वहीं स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। चैलेंज करें खुद को, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। तो बहुत तगड़ी स्पीच थी, बहुत मोटिवेशनल थी, मज़ा आ गया इसको सुनकर। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा पार्ट इसमें अच्छा लगा, आप मोटिवेट हुए इसको सुनकर या नहीं। मैं तो पूरा मोटिवेट हो गया हूँ। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।